कैनवास बनाने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड का ज़रूरत है, थोड़ा हार्ड होगा तो अच्छा है। इसी साइज़ का होने का ज़रूरत नहीं है, आप इससे बड़ा या छोटा साइज़ का भी ले सकते हैं। और फिर लगेगा आपको एक रफ़ क्लोथ, मैं बुकरम क्लोथ यूज़ करूँगी आज। बुकरम क्लोथ यूजुअली टेलर लोगों के पास रहता है, तो ये जो क्लोथ है ये थोड़ा सा रफ़ टाइप का है। इसका एक सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस रफ। रफ साइड में हम लोगों को पेंटिंग करना पड़ता है। तो पहले मैं इस क्लोथ को इस कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग काट लूँगी सीजर से। चारों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट छोड़कर ही मुझको काटना है, क्योंकि एक्स्ट्रा साइड को बाद में ग्लू लगाकर मुझको कार्डबोर्ड के पीछे चिपकाना है। तो काटने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे को ये क्लोथ मिला। इस क्लोथ में काफ़ी क्रम्बल टाइप है, पर मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ इसीलिए मुझको उतना फिकर नहीं है। मुझको बेसिकली ये देखना है कि ये क्लोथ में, मतलब हैंडमेड कार्ड कैनवास में कैसे पेंटिंग होता है। तो ग्लू में आप फेविकॉल भी ले सकते या तो और कोई वाइट ग्लू। मेरे पास ये कैमलिन का वाइट ग्लू था तो मैं उसको आज यूज़ करूँगी। इस तरीके से लगाकर अच्छे से हाथों से इवेनली सारे ग्लू को हर कॉर्नर में, हर एरिया में स्प्रेड करना है, और जो ग्लॉसी वाला साइड है उसको उस ग्लू के ऊपर इस तरीके से चिपकाना है, और हाथों से अच्छे से पूरे क्लॉथ को फैलाना है ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। पीछे ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट क्लोथ का, उसको फिर से ग्लू लगाकर ऐसे चिपकाना है। यहाँ पे मैं एक गलती कर दी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, कि मैं ये जो कार्डबोर्ड था उसका जो स्मूदर साइड है उसको मैं बैकग्राउंड में दे दी, जबकि मुझको उसी को फ्रंट में देना था। तो कैनवास का जो फ्रंट सरफेस होता वो और भी स्मूद होता। खैर, एवरी मिस्टेक इज़ ए लेसन, सो मैं ये चीज़ नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूँगी। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से हाथों से बार बार प्रेस कर कर के लगा रही हूँ। साइड वाले ये जो पार्ट है इसको मैं सीजर से काट दूँगी, तो बेंडिंग के टाइम पे थोड़ा इजी होगा। ये जो क्लोथ है इसको ना अच्छे से आपको टाइटली कार्डबोर्ड के साथ चिपकाना है, क्योंकि अगर आप लूजली चिपकाएंगे तो आपका जो सरफेस है कैनवास का वो भी लूज हो जाएगा और पेंटिंग के टाइम पे दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये जो क्लोथ है उसको टाइटली कार्डबोर्ड के साथ चिपकाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार इसीलिए क्लोथ को खींच खींच के चेक कर करके कार्डबोर्ड के साथ लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मुझको ये कार्डबोर्ड मिला चारों साइड जब मैं लगा दी अच्छे से। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं पीछे सेलो टेप यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझको लग रहा था कि शायद मैं ये क्लोथ निकल सकता है पीस बोर्ड से। तो आप भी सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत लोग वाइट कलर का एक पेपर रिकॉर्ड साइज़ के मुताबिक काट के पीछे लगा देता है, तो उससे कैनवास और भी अच्छा दिखता है। पर मैं आज बैकग्राउंड को लेकर उतना ज़्यादा सोचूंगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कैनवास में पेंटिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है इसमें अभी भी पीछे बैकग्राउंड में कार्डबोर्ड का कलर दिख रहा है, उसी को हटाने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल का वाइट एक्रिलिक कलर एज ए बेस, क्योंकि कैनवास में एक प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जेसो नहीं है तो इसीलिए मैं ये फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ वाइट। पर मैं जो नेक्स्ट कैनवास बनाऊँगी वो मैं जेसो से ट्राई करूँगी। अब ये एक्रेलिक कलर को, आपके पास अगर कोई छोटा ऐसे पीस बोर्ड का टुकड़ा है तो उससे अच्छे से उसको फैलाना है इवेनली।
ये जो व्हाइट एक्रेलिक कलर है एक्रेलिक, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी करना है, बट हल्के हाथों से करना है, क्योंकि ये जो व्हाइट एक्रेलिक कलर है उसको सारे एरिया में इवनली स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, बट मुझको अभी भी लगता है कि थोड़ी जगह पर और कोटिंग की ज़रूरत है, तो पहले मैं इसको सूखने दूंगी। तो काफ़ी हद तक सूखने के बाद मैं सेकेंड लेयर अप्लाई करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके सेकेंड टाइम मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि मुझको ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना लगेगा मैं उतना ही ले लेके करूंगी। अगेन इस पीस ऑफ कार्डबोर्ड से मैं हल्के हाथों से इवनली सारे कॉर्नर को भी अच्छे से अप्लाई करूंगी। हो गया मेरा कोटिंग, तो इसी के ऊपर ये सूख जाएगा, तो मैं इसके ऊपर पेंट करके आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैं पहले कैमेल का आर्टिस्ट वाटर कलर था मेरे पास, उसी का ही ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर से स्टार्ट करी थी। जैसे ही मैं स्टार्ट करी तो मुझको फील हो रहा था कि एज द सरफेस वाज क्वाइट ग्लॉसी, सो वाटर कलर मेरा उतना स्टे नहीं कर रहा था, पिगमेंट भी उतना अच्छा नहीं आ रहा था, और बार बार स्लाइड हो जा रहा था ब्रश के साथ। तो मुझको ये डाउट था कि इतना ग्लॉसी सरफेस में, क्योंकि एक्रेलिक पेंट थोड़ा ग्लॉसी टेक्सचर का होता है, ऑयली टेक्सचर का होता है, वाटर कलर कैसा बैठेगा। तो फिर भी तो इस पिक्चर के लिए ये जो स्काई में बना रही थी, तो उसमें ये प्रॉब्लम को मैं यूटिलाइज करने का कोशिश करी। मुझको जैसा अनइवन टेक्सचर थोड़ा पसंद है, वैसा ही मैं उसको कलर ग्रेडियंट लाने का कोशिश कर रही थी, थोड़ा कॉर्नर बॉर्डर साइड में डार्कर कलर और बीच बीच में लाइटर कलर। तो शुरुआत में मैं सारा कलर ही कैमेल का आर्टिस्ट वाटर कलर से स्टार्ट करी थी। कैमेल का जो वाटर कलर है, आर्टिस्ट वाटर कलर, वो बहुत अच्छा है। मेरे पास बस यही एक वाटर कलर था, और मैं उसी का ही सब कुछ ग्रीन कलर भी यूज़ कर रही थी, येलो कलर और ग्रीन कलर मिक्स करके मैं ये ग्रीन वाले से स्टार्ट करी थी। तो जैसे मुझको ब्लू में भी दिक्कत हुआ था, ग्रीन में भी सेम दिक्कत हो रहा था मुझको, कि कलर मेरा स्टे नहीं कर रहा था एक जगह पर, स्लाइड हो जा रहा था। फिर भी मैं थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं थोड़ा ट्राई करी। तो अभी ये सो जो भी कलर देख रहे हैं आप, सारा ही मैं वाटर कलर ही यूज़ करी हूँ कैमेल का। ये सब कलर का पिगमेंट बहुत ही अच्छा है, पर इसमें मैं जब कर रही थी, आप शायद देख ही पा रहे हो कि कलर हट जा रहा है। यहाँ पर मैं जो लीव्स है उसका जो टिप पॉइंट है उसको मैं लाइट कलर देने का कोशिश करी। अब यहाँ से एक्चुअली रियल पॉइंट स्टार्ट हुआ, जब मैं रियलाइज करी कि क्या प्रॉब्लम था। यहाँ से मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करना स्टार्ट करी। फेबिक्रिल का जो एक्रेलिक कलर मैं लास्ट वीडियो में जो शेयर करी थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस विथ एक्रेलिक कलर, तभी से मुझको जैसे ही स्टार्ट करी यूज़ करना, तभी से मुझको रियलाइज़ हो गया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था। एक्रेलिक कलर इतना अच्छे से इस सरफेस में बैठ रहा था, आप देखकर समझ ही पा रहे हैं कि कितना अच्छे से पिगमेंट भी दे रहा है, और टेक्सचर भी आप देख के समझ में आ रहा है आपको कि हट नहीं जा रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है कलर। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, अच्छा तो अगर आप कैनवास में, अगर आप खुद से कैनवास बना रहे हो, उसके ऊपर अगर एक्रेलिक कलर का कोटिंग देते हो, तो उसके ऊपर आपको एक्रेलिक कलर से ही पेंट करना चाहिए। वाटर कलर अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वाटर कलर स्लाइड हो जा रहा था। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि एज ऑयल एंड वाटर डजंट मेक गो
हैंड इन हैंड। तो सेम यहाँ पे मुझको वो चीज़ रियलाइज़ हो गया। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे जो भी कलर आप देख रहे हो सारा ही मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर यूज़ करी और मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कलर करने में। सारा कलर बहुत अच्छे से बैठ रहा था। तो मैं जहाँ जहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था मैं वहाँ वहाँ पे एक्रेलिक कलर से फिनिशिंग कर दी। तो मुझको तो बहुत अच्छा लगा एक्रेलिक कलर यूज़ करके कैनवास में। ऐसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरा कैनवास भी उतना अच्छा नहीं बना था। नेक्स्ट टाइम मैं जिसो से बनाऊंगी तो मुझको लगता है उससे और बेटर रिजल्ट मिलेगा और मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करूंगी और वाटर कलर भी देखूंगी जिसो के ऊपर कैसा हो रहा है। तो जो भी हो मैं आपको सारा फीडबैक दे दूँगी कि कैसा रिजल्ट आया। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप भी ये पेंटिंग ट्राई करिए और मुझको ज़रूर बताइए कैसा हुआ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू।